हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया। ये कोरिगेंडम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो कोरिगेंडम है वो CISF एग्जामिनेशन 2019 वाला है। रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CA PFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CA PFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 31 जनवरी 2022। हाउएवर इट केम टू द नोटिस टू द कमीशन दैट देयर वाज सम टाइपोग्राफिकल एरर्स इन द राइट अप। तो यहाँ पे जो है इस एग्जाम का जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था 31 जनवरी 2022 को। और इसमें से जो कमीशन की ओर से जो नोटिस आया था उसमें से बताया गया था कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर हो गया था लिखने में कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पर हाउएवर दोज डू नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एनी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है इनका कि ये जो एरर हुआ है उससे किसी भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ है, इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पहले के जैसे ही रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, जो भी थोड़ा सा सुधार हुआ करना था यहाँ पे एरर को वो भी हो चुका है। तो ये आप लोगों को साफ साफ देखना है कि किसी भी कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट को वो कुछ किया गया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एरर्स हैव नाउ बीन रेक्टिफाइड अकॉर्डिंगली द बिलो लिस्टेड डिटेल्स इन द फाइनल रिजल्ट राइट अपडेटेड 31 जनवरी 2022 मे बी रीड एज फॉलो। तो ये जो है उसको जो है सुधार दिया गया है फाइनल रिजल्ट को जो कि 31 जनवरी 2022 को था, उसको अब आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये भी कहा गया यहाँ पर लिखा हुआ है द एरर्स हैव नाउ बीन रेक्टिफाइड। तो ये एरर को सुधार लिया गया है और अब आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पारा 3.1 जो फीमेल लोग के लिए यहाँ पे पोस्ट है, कैटेगरी है, वैकेंसी है, फील्ड है, डिटेल्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो है टोटल मार्क्स दिया हुआ, पेपर 2 का मार्क्स दिया और डेट ऑफ बर्थ जो है किस प्रकार दिया गया ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आप पारा 4.3 जो है मेल के लिए था उसमें भी दिया गया, पोस्ट कोड दिया गया, कैटेगरी कोड दिया गया, सभी कैटेगरी कोड, वैकेंसी दिया हुआ, फील्ड दिया है और फिर यहाँ पे जो है किस प्रकार से टोटल मार्क्स, पेपर 2 मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ दिया है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे बताया गया है, सब इंस्पेक्टर जो कि 2019 एग्जाम का था। और इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फर्दर कैटेगरी 1 कॉलम फॉर 35 कैंडिडेट्स हु वेयर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द फाइनल रिजल्ट मे बी रीड एज कैटेगरी 1 इक्वल टू 9 इंस्टीड ऑफ कैटेगरी 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है 35 जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है रिजल्ट फाइनल तरीके से हो चुका है। तो जो पहले था कैटेगरी 1 बराबर 0 था उसको अब कैटेगरी 1 बराबर 9 पढ़ लेना है, यानी कि 1 इक्वल टू 9 पढ़ना है। पहले जो था उसका 1 इक्वल टू 0 था। और इसके बाद है यहाँ पे रोल नंबर ऑफ दिस 35 कैंडिडेट्स आर फॉलोज, जो 35 कैंडिडेट्स है जिनके रिजल्ट को कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस हुआ है वो यहाँ पर उनका रोल नंबर दिया गया। तो 35 कैंडिडेट्स का रोल नंबर है, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स है तो वो अपने रोल नंबर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर द एबव मेंशन चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एनी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो है इसमें से कोई भी कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट को कुछ खराब नहीं किया गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ये भी है अंडर सेक्रेटरी 8/4/2022 यानी कि 8 अप्रैल 2022 का ये अपडेट है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 35 कैंडिडेट्स है वो अब कैटेगरी नंबर 1 = 0 के जगह पर आपको पढ़ना है कैटेगरी नंबर 1 = 9, ये आप लोगों को ध्यान रखना है जिसमें से 35 कैंडिडेट्स हैं। तो यही अपडेट आया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो कि CISF एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 वाले जो हैं वे अपना कोरिगंडम में इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं।